सो गाइस, मेरा नाम है कपिल और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आपके YouTube थंबनेल के बारे में, क्योंकि 80% लोगों को YouTube थंबनेल का सही साइज नहीं पता है कि किस साइज में हमें थंबनेल को बनाना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस साइज का यूज करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन गाइस ये साइज जो है HD थंबनेल का है। आज हम आपको बताएंगे प्रो HD थंबनेल किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से उसमें आपको कलर ग्रेडिंग करना है, किस तरीके से उसमें बैकग्राउंड लगाना है, किस तरीके से आपको अपना फोटो उसमें ऐड करना है, किस तरीके से आपको उसमें एरो वगैरह लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर हो जाएंगी और अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्रैक्टिकल आपको एक थंबनेल बनाकर दिखाएंगे, जिससे जो है आपको अपने थंबनेल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। गाइस, प्रो HD थंबनेल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन है और मैंने इसको जो है अपने फ़ोन को रोटेट मोड में रख लिया है, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक टेक्स्ट मिलेगा, इस टेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा एक सिंपल पेज बचा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस थंबनेल का साइज लगाना है। साइज लगाने के लिए ऊपर हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है और इमेज साइज पर क्लिक करना है। तो ज़्यादातर लोग जो है YouTube थंबनेल बनाते समय यहाँ पर इस साइज को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रो HD थंबनेल बनाने के लिए इस साइज का नहीं, बल्कि आपको YouTube चैनल बैनर साइज का यूज करना बताऊंगा। क्योंकि आपको इस साइज पर अगर थंबनेल बनाओगे तो आपका थंबनेल का रेजुलेशन बहुत हाई होगा और बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो इसलिए आपको HD प्रो थंबनेल बनाने के लिए आपको इस साइज को सिलेक्ट करना है, जो यूट्यूब चैनल बैनर का साइज है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसके लिए हमें ओके करना है। ये हमारा एक हाई क्वालिटी का प्रोफेशनल मतलब बैकग्राउंड आ चुका है। अब हमें इसमें बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करने के लिए आपको ये सिंपली लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ बैकग्राउंड में अगर कोई कलर रखना चाहते हो तो आपको कलर पर क्लिक करना है, और अगर आप सिंगल कलर रखना चाहते हो तो कलर पर जाओगे और यहाँ से आप कोई सिंगल कलर ले सकते हो। अगर आप दो कलर मिक्स रखना चाहते हो तो आप नीचे वाले को क्लिक करके यहाँ से दो कलर मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ ये सेकंड वाला। तो इसके लिए हमें यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है, रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद गाइस हमें ये नीचे दो कलर मिलते हैं, तो फर्स्ट वाले कलर को हमें क्लिक करना है और यहाँ कलर पर क्लिक करना है। यहाँ जाओगे तो आप कोई भी कलर लगा सकते हो A to Z, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक लगा देता हूँ। ओके, और इधर लास्ट वाले कलर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी रेड कलर चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम रेड ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके का ये बैकग्राउंड हमारा आ चुका है। इसके लिए हमें गाइस अब इस पर कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर आपको प्लस का एक आइकन दिखाई देता है और आपको एक टेक्स्ट दिखाई देता है। इस टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये मैं बना रहा हूँ थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है थंबनेल, ठीक है। थंबनेल को मैंने लिख दिया और यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर नीचे ए बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ जाने के बाद आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ इसे हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ हमने इसे बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद गाइस हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट में जाने के बाद। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये फॉन्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है डिफॉल्ट वाला। इसके बाद गाइस हमें यहाँ पर स्ट्रोक का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर स्ट्रोक भी लगा सकते हो, इस तरीके से जो हमारी इसकी बैकग्राउंड की लाइन आती है। तो हमें स्ट्रोक का यूज इसमें नहीं करना है। शैडो भी आती है तो शैडो का आप यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ शैडो का हम यूज कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमें ये थंबनेल आ गया, इसको हमें अच्छे से रोटेट कर देना है इस तरीके से। नीचे वाला पॉइंट आ रहा है, इसको पकड़ के इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके से। इसके बाद हम इस पर अगर बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो नीचे हमें चले जाना है और यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ इसको इनेबल करके हम यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक लगा हुआ है तो ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ ब्लैक भी रख सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट और राइट को थोड़ा सा प्लस करेंगे और ये हम नीचे जाएंगे और यहाँ रिड्यूस कर देंगे इसके लिए इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमें यहाँ पर कुछ और भी लिखना है, तो इसके लिए हमें ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ भी हमें कलर कुछ लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट वगैरह। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया मेक प्रो HD, तो जैसे ही हम इसको लिखने के बाद इसका साइज वगैरह इसका बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है और इसका हम साइज इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं और इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। इतना लिखने के बाद गाइस हम यहाँ पर नीचे जाएंगे
और इसका स्टाइल में जाके हम इसको बोल्ड कर देंगे। और इसका बैकग्राउंड जो है हमारा, इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हम येलो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर येलो आ जाएगा, जो भी रखना चाहते हो आप वो आ जाएगा। लेफ़्ट राइट थोड़ा सा इसका बढ़ा सकते हो और नीचे जाओगे आपको रिड्यूस कर देना है। ओके, अब हमारा देख रहे हो कि जो टेक्स्ट है उसका कलर हमारा चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए या तो आप स्ट्रोक का यूज कर सकते हो इस तरीके से। ओके, आप किसी भी कलर का लगा सकते हो। अगर आपको स्ट्रोक नहीं लगाना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आपको इस कलर पर जाना पड़ता है। यहाँ जाओगे और आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो ए टू जेड। देखिए रेड कलर आपको लगाने हैं तो रेड पर जाओगे और यहाँ से कलर को हाई कर दोगे और ये हमारा रेड कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो इमेज लगाने के लिए गाइस हमें फिर से प्लस पर क्लिक करना है और फिर होम गैलरी पर क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप ए टू जेड कोई भी फ़ोटो को ले सकते हो। जैसे कि मेरा फ़ोटो यहाँ पर सेव है, तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो को ले लिया है और इसको हम यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। आप देखते जाओ किस तरीके का थंबनेल बनता है, काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये। इतना करने के बाद गाइस, अगर आपका फ़ोटो का चेहरा इस साइड में करना है तो आपको बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है और सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ आपको एक 3D रोटेट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप बाई वाले को रोटेट कर सकते हो, तो ये आपका इमेज है जो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको इसका कलर वगैरह थोड़ा हाई करना है, फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा है, तो नीचे जाएंगे और इसमें आपको एक कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। इसके आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है, ठीक है, सेचुरेशन को डाउन कर देना है, तो इस तरीके से आप जो कर सकते हो। इसके बाद आप इस पर कोई स्ट्रोक लगाना चाहते हो तो वो स्ट्रोक पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। आपको वाइट लाइन लग जाएगी, रेड लगानी है रेड लग जाएगी, कोई भी आप लगाना चाहते हो यहाँ पर लाइन लग जाएगी। ये हमारा सिंपल एक थंबनेल बन चुका है। अगर आप इसमें कुछ भी एनिमेशन टाइप कुछ लगाना चाहते हो तो आपको फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और स्टिकर पर चले जाना है। यहाँ आपको बहुत सारे, ये देखिए आपको इमोजी मिलते हैं, आप यहाँ से कोई भी इमोजी ले सकते हो, ये देखिए बहुत सारे हैं। तो जैसे मान लो ये वाला लेना चाहता हूँ मैं, तो ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ पर रख देता हूँ प्रो HD के पास में, ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ओके, ये देखिए छोटा कर दीजिए। ओके, तो आप इस तरीके से थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई एरो वगैरह लगाना चाहते हो तो एरो लगाने के लिए आपको फिर से प्लस पर क्लिक करना पड़ता है और शेप पर जाना पड़ता है। यहाँ जाने के बाद गाइस, आप यहाँ पर जो एरो का निशान है यहाँ से आप एरो ले सकते हो, एरो का कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो ए टू जेड कोई भी। ये देखिए बहुत सारे कलर आ रहे हैं। एरो का साइज लेने के बाद आप यहाँ से जो है इसको कहीं भी आप रख सकते हो ए टू जेड। तो यहाँ पर मुझे एरो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको एरो लगाना है। अगर आप कोई भी इसमें स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। स्क्रीनशॉट लगाने के लिए आपको फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर जाना है और यहाँ से जाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लिया हुए फ़ोटो को ओपन कर लेना है। जैसे कि आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लिया है, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ओपन कर लीजिए तो आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाता है। आपको इसको क्रॉप करना है तो यहाँ पर क्रॉप का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ से उसको क्रॉप कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया और इसको आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक थंबनेल डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद इस थंबनेल को सेव करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, ये थंबनेल को अब आपको सेव करने के लिए आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको क्वालिटी के अंदर जाना है। क्वालिटी में आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा, इस अल्ट्रा को टच करके सेव टू गैलरी कर देना है।